नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एमके ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ई श्रम कार्ड को लेकर जो दोस्तों बहुत सी जो है वीडियो बन रही है, और ये भी देखा जा रहा है कि दोस्तों की ई श्रम कार्ड में जो है 350 रुपये बैंक अकाउंट से कट रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है और ई श्रम कार्ड है क्या, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि हाल ही में जो है ई श्रम कार्ड की जो वेबसाइट को लॉन्च किया था भारत सरकार ने दोस्तों, उसमें बहुत लाखों या करोड़ों में दोस्तों जो है सबों ने इसको अप्लाई किया है, और उसकी जो वेबसाइट में ही ओपन होते ही इसमें अप्लाई बहुत सबों ने किया, अपना कार्ड बना लिया दोस्तों। तो ये आखिर में ई श्रम कार्ड किसके लिए है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसके बेनिफिट क्या है इस वीडियो में सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और सच में क्या 350 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे, तो इसका पूरा जो है पूरा डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबा के साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपके लाता हूं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही था दोस्तों, ई श्रम कार्ड का जब नया लॉन्च किया गया था तो उसमें ही पहले ही मतलब जैसी वेबसाइट को लॉन्च किया था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इसको अप्लाई भी करना चालू कर दिया था। मगर ई श्रम कार्ड किसके लिए है तो इसमें आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और वीडियो के पहले भी जब मैंने अप्लाई करने का बताया था उसके माध्यम में भी मैंने आपको बताया था कि ई श्रम कार्ड किन लोगों के लिए है। तो असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं दोस्तों, ई श्रम कार्ड उनके लिए बनाया गया है, जैसे कि पशुपालन हो गया, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, घर में काम करने वाले, आया हो गई, लेबर हो गए, तो ये सब जो है मजदूर, उनके लिए ये सब जो है उनका उनको लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने जो ई श्रम कार्ड का बनाया गया है दोस्तों। तो उनको लाभ कैसे पहुंचाया जाता है, उनका एक डाटा कलेक्ट करने के लिए ये सब जो है ई श्रम कार्ड को बनाया गया है दोस्तों। तो उनके लिए ये दोस्तों ई श्रम कार्ड है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनके जो बेनिफिट थे वो कैसे पहुंचाया जाए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि आधार कार्ड सबके जरूरी होता है और सभी के पास था, तो जो ई श्रम कार्ड को अप्लाई करते समय आधार कार्ड से लिंक जो करते हैं उनको ई श्रम कार्ड को लिंक किया जाता है, जो उनकी आधार कार्ड में जो डिटेल होती है वो सारी उनके पास पहुंच जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेबर हैं उनके पास एक आधार कार्ड होता ही है दोस्तों, कंपलसरी है, सबके पास ही आधार कार्ड अपना है, बाकी और कोई कार्ड हो ना हो मगर आधार कार्ड सबके पास है। तो ये जो लेबर के लिए ही इसलिए बनाया गया था दोस्तों, ये आधार कार्ड से अटैच जो था ये ई श्रम कार्ड को किया गया था कि जो है सब जो लेबर है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आधार कार्ड से ही ली जाए। तो दोस्तों गवर्नमेंट का उद्देश्य यही था कि इस कार्ड के माध्यम से जो लेबर है उन सबको सुविधाएं प्राप्त करना, जैसे कि आप सभी को पता था दोस्तों कि अभी कोविड के सिचुएशन में इतने जो है सरकार ने सारे लेबरों को, सारे जनता को जो था राशन फ्री में बांटे थे, और बहुत से 1500 रुपये सबके अकाउंट में भी आए थे। तो ये कार्ड से दोस्तों एक डाटा तैयार किया जाता है कि जो जितने भी अनऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में जो लेबर काम कर रही है उन सबका एक डाटा कलेक्ट करके उन तक ये सुविधाएं प्राप्त की जाए, क्योंकि जब पहले जो था आज तक अभी तक कोई डाटा ऐसा कलेक्ट नहीं हुआ है दोस्तों। तो ई श्रम कार्ड के माध्यम से जो है जितने भी लेबर हैं उनका कार्ड जब बनेगा तो उनका एक डाटा तैयार होगा, तो उनके डायरेक्ट उनको कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाएगी, भारत सरकार ने ये ई श्रम कार्ड जो है इसलिए लागू किया है दोस्तों। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड का बनाने के लिए सबसे पहला बेनिफिट जो होता है दोस्तों वो लेबर को ही होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई काम कर रहे हो स्पेशली, तो दोस्तों ये ई श्रम कार्ड आपको जो है आपका जो काम का स्पेशली वर्क होता है वो आपके पास जो है रिकॉर्ड रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो लेबर, ठीक है, तो वो उसको दिखाने के लिए दोस्तों जब उनकी जब कहीं और जॉब लगती है या कहीं भी करते हैं तो वो दिखाने के लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमने इतने साल इस लाइन में काम किया है। तो लेबरों के लिए सबसे बहुत अच्छा काम जो ये कार्ड है दोस्तों, उसका बेनिफिट ये दिखाता है दोस्तों कि आपने किसी भी चीज़ का काम के लिए एक प्रोफेशनल इतने साल उसमें काम किया है। तो ये एक तो पहले तो ये दर्शाता है दोस्तों ये कार्ड। दूसरा ये है कि आपको सभी को पता है ये गवर्नमेंट का पूरे स्टेट में सभी का जो है ये मान्यता है इसकी ई श्रम कार्ड की दोस्तों, पूरे ही भारत देश में दोस्तों ई श्रम कार्ड की मान्यता है। और तीसरा ये है दोस्तों कि जब आपका एक बैंक डिटेल जब आप इसमें जोड़ते हो और अपना जो आधार कार्ड से जो है KYC इसकी जो है अपने आप जो है सारी डिटेल आपके पास चले जाती है दोस्तों, तो ये इसका बेनिफिट है। और चौथा जो है दोस्तों कि आपको जितने भी सुविधा हैं या आपके जितने भी भारत सरकार जब आपको एक सुविधा देती है दोस्तों तो वो सारी जो है आपके एक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है, तो वो सब आपको प्राप्त मिल जाएगी ई श्रम कार्ड से, क्योंकि आपका सारी डिटेल रिकॉर्ड रहेगी।
तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ बेनिफिट, और साथ में पांचवा बेनिफिट जो है, जब आपका ये दोस्तों बीमा भी की तरफ कभी काम करता है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ की दुर्घटना हो गई जिससे आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको जो है 2 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों। अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो दोस्तों तब भी आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी दुर्घटना होगी, तो ये बीमा का कार्ड करता है आपको, जो आपके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। और आपके किसी भी कारण जो दुर्घटना हो जाती है, आप मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको जो है 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ऐसे दोस्तों ये बीमा का भी काम करती है दोस्तों, और साथ ही साथ में पूरे देश भर में इसकी मान्यता है। तो ई श्रम कार्ड का बेनिफिट तो दोस्तों ये हो गया। अब बात करते हैं जो 350 रुपये सालाना कट रहे थे, तो क्या वो हकीकत है? दोस्तों पहली बात तो मैं बता दूँ, ये सब जो है फेक न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों ई श्रम कार्ड का जो भारत सरकार ने जो पहले से एक नोटिफाई कर दिया दोस्तों, कि आपको सालाना 12 रुपये देने पड़ेंगे ई श्रम कार्ड के। तो सालाना 12 रुपये मतलब साल के 12 रुपये और महीने के 1 रुपया। तो दोस्तों यही है, सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है भारत सरकार साल के 12 रुपये लेती है। तो दोस्तों जो साल के 350 रुपये की जो अफवाह है, वो सब झूठ न्यूज़ है दोस्तों, फेक न्यूज़ है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको साल के 12 रुपये जो है ई श्रम कार्ड के लिए देने पड़ेंगे, और वो भी आपको खुद नहीं देने पड़ते, वो आपके जो बैंक से कट जाते हैं दोस्तों। तो ये सब दोस्तों इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल बताया जाए कि ई श्रम के बेनिफिट क्या हैं और ये किसके लिए है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन दबा के साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।